प्यारे विद्यार्थियों, आपका भी स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्यों चुना इस टॉपिक के लिए, क्योंकि नीर हाई डायनेमिक्स और नीर आज के समय आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उसमें आपको बहुत सारी सूचनाएँ देते हैं। तो इसीलिए मैं नीर को चूज़ किया कि नूर नीर जो है आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पॉइंट ये है मेरा कि एक मैं यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाह रहा हूँ कि हम कुछ सीनियर से सीखें, ठीक है। जैसे आज नीर आपको सिखा रहे हो सकता है कि अगले साल आप यहाँ पे आएँ और अपने जूनियर्स को आप गाइड करें, क्योंकि आप यहाँ रहते रहते हैं 3-4 सालों में 5 सालों में आपको बहुत सारे अनुभव यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसीलिए ये रेगुलर बेसिस पे हम एक ऐसा प्रोग्राम कराते रहेंगे जिसके सीनियर से सीखने को हमें मिलेंगे, ठीक। तो इसी कड़ी में जो आज का जो पहला शुरुआत हम लोगों ने किया है वो नीर से किया, और नीर का नाम भी तब खूबसूरत है, राइट। नीर अपने आप में जीवन है, तो आप लोगों के अंदर ये जीवंता लाने के लिए आज नीर का हम स्वागत करते हैं। और आपका दीक्षा निधि, दीक्षा निधि कहाँ है, दीक्षा निधि आप आइए और देखिए। और इसके बाद रोशन ही से, हाँ रोशन का, थैंक यू दीक्षा निधि। रोशन आप नीर रिजा का जो है जोरदार स्वागत करते काल भर पीएचडी तो मैंने 2003 में ख़त्म कर लिया था। इतने साल हो गए, कम से कम 20-22 साल हो गए पीएचडी ख़त्म करके, खुद एक बार पूरे लाइफ में आना चाह रहा हूँ मैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई रिक्वेस्ट थैंक यू सो मच सर, आप इतना मेरे को समझे और लोगों के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए इनवाइट किए, मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे जितना एक्सपेक्ट किया था उतने नहीं आए, और जनरली ऐसे काम में बच्चे इंटरेक्ट कम होते हैं, ये मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है, होना चाहिए ऐसे जगहों पर इंटरेक्शन। लेकिन जो आए हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इच्छा है, एक लालसा है कुछ बनने का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद को देखते होगे अच्छे जगह पे भविष्य में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अदृश्य रूप से यहाँ पे विराजमान माँ सरस्वती और मालवी जी, और मेरे सामने मेरे उपस्थित शिक्षक, आप सभी को सादर प्रणाम, और यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं मेरे दोस्त, आप सभी को बहुत सारा प्यार। आज का जो बेसिकली इंट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं सर ने पहले से ही टॉपिक को मेरे ऊपर ही डाल रखा था कि जो चीज़ें अपने पूरी पढ़ाई के दरमियान यहाँ पे एक्सपीरियंस किए, जो चीज़ें सीखे, जो चीज़ें जाने, बेसिकली वो चीज़ें अगर लोगों के बीच में जाती है तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को भी बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चीज़ को कम से कम ऑब्जर्व किए कि हाँ ये चीज़ें लोगों के बीच में स्टूडेंट्स ऐसा अच्छा करते हैं। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे सर, स्लाइड बेसिकली बस स्क्रॉल करना, ठीक है हो जाएगा। मेरे पास ठीक ठाक बच जा रहा था, ये 3 रीजन की वजह से फाइनली मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। वैसे ऑप्शन के तौर पर और भी चीजें आप स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। लगभग थर्ड सेमेस्टर था मेरा, मुझे याद आ रहा है थर्ड सेमेस्टर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। उसी के थोड़े समय के बाद कोविड भी आ जाता है, उसके बाद उसी दरमियान यूजी के दरमियान मैं इतना एक्साइटेड था सर पढ़ाने के लिए कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी डाल दिया सुंदरपुर में। उसी समय अपनी क्लासेस को बचा के शाम में 1 घंटे में ऑफलाइन क्लास भी करा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। कोविड आ गया, नोटिफिकेशन आया फाइनली कि भाई अब साउथ में पहला केस मिला है, लॉकडाउन आने वाला है, और उन्होंने पूरे कोचिंगों को बंद कर दिया। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था कि एक रूम में बंद हो जाओ और जितना हो सके ऑनलाइन पढ़ाओ। और मैं इतना एडिक्टेड हो गया यूट्यूब का, इतना ज्यादा कि हाँ मतलब बस यूट्यूब पे काम करना है। 5-5 घंटे में आज अंतरा बैठ जा, 5-5 घंटे मैं लगभग बस यूट्यूब पे पढ़ाता, वीडियोज बनाता, वीडियो पे पढ़ाता, 5-5 घंटे कंटिन्यू लाइव आता था। तो ये यूजी का एक बेस पॉइंट रहा कि मैं यूट्यूब स्टार्ट कर दिया ये सब चीजों की वजह से। अब हम लोग आते हैं, बस फॉलोइंग अपना बना चुका था,
पीजी यहाँ से मैंने ज्वाइन किया जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, बीटी के जस्ट सामने पड़ता है। क्योंकि अब मैं यूट्यूब पे था, बहुत सारे सर लोग से भी इंटरेक्शन होता था, सर लोग ने बोला कि जो तुम्हारा एजुकेशन है बेसिकली वो इसी फ्लो में है, तो क्यों ना मतलब ज्वाइन कर लो अपना एक मास कॉम है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, उसमें वो चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ से जर्नलिज्म स्टार्ट कर दिया, जबकि मेरा यूजी में फिलोसफी था। यहाँ से अब मेरा बेस बन चुका है, तो यहाँ पे मैंने लगभग 3-4 नए नए बिजनेस स्टार्ट किए, जैसे कि काउंसलिंग वाला। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पास प्रॉब्लम होती है कि सर पर्टिकुलर सीयूटी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और सर हमें कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली ये है, तो मुझे अब ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के पास जो ये डाउट्स थे उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था, फिर फाइनली मैंने बनाया एक काउंसलिंग वाला। अब बच्चों के पास हॉस्टल की प्रॉब्लम आती थी तो मैंने बनाया हॉस्टल वाला, फिर उसके बाद एक बिजनेस बनाया टी शर्ट वाला। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों की जो डिमांड थी उसकी बेसिस पे बिजनेस बनते गए मेरे। मैंने कम से कम 3-4-5 बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए अपने पूरे यूजी और पीजी के दरमियान। तो ये तो मेरा बिजनेस बनाने का रहा, और इन सभी चीजों में जो मेरे लिए बहुत इंपैक्ट डालता है और कुछ चैलेंजेस रहे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्त अच्छे थे, जैसे आप दोस्त को लेकर अगर बातें करो तो मैं चाहूंगा कि दोस्त हमेशा ऐसे बनाने चाहिए जो आपके पढ़ाई में, तो सब लोग बोलेंगे सपोर्ट करता है, पढ़ाई में नहीं जो आपके एग्जाम में भी सपोर्ट कर दे 2 दिन पहले वाले में। तो मेरे को मेरे जो बेसिकली दोस्त थे वो एग्जाम में बहुत सपोर्ट किए, मतलब 2 दिन पहले 3 दिन पहले। यूट्यूब पे था, समय बड़ा कम बचता था, तो मैं सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन दोस्तों के साथ बहुत किया हूँ हॉस्टल में बैठ के। 3 से 4 दिन 5 दिन एग्जाम जब आने वाला होता तो बेसिकली मैं उनके साथ ही इंटरेक्ट होता था कि भाई अब ये एग्जाम है तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। बेसिकली उनके नोट्स उनके बगल में बैठ के रिविजन करना, ग्रुप स्टडी करना, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद था। दोस्त बेसिकली मेरे बहुत अच्छे मिल गए। पढ़ा मैंने, मूवीज मैं बहुत देखता था, वेब सीरीज से बचने की कोशिश करता था, क्योंकि वेब सीरीज जो है बेसिकली वो टाइम टेकन होता है। मूवीज जो अच्छे मूवीज होते थे वो मैं बहुत देखता था, वो भी डायरेक्टर के नाम पे मैं देखता था कि हाँ इन्होंने डायरेक्ट किया है तो मूवीज देखनी है, ना कि मैं कभी हीरो के बेसिस पे मूवीज देखा। मूवीज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो मूवीज बनाने में एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है, और जब बेसिकली उसकी डायरेक्टर को जानते हो, उसके डायरेक्टर को जानते हो, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च होता है, और वो रिसर्च आप स्क्रीन पे बस 3 घंटे में देख लेते हो। तो मैं इसलिए मूवीज रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप एक किसी भी डॉक्यूमेंट्रीज को जब देख रहे हो या फिर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज को जब देख रहे हो, फॉरेन की कुछ मूवीज को देख रहे हो, लगभग 1990 के बाद और 2010 तक के मूवीज को देख रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छा आपके लाइफ चेंजिंग में इम्पैक्ट डाल सकता है। जो बिजनेस ओरिएंटेड मूवीज हैं, जो किसी की बायोग्राफी बनाई गई मूवीज हैं, ये सब मूवीज बेसिकली देखना चाहिए। तो मूवीज मैंने बहुत देखे। उसके बाद यहाँ पे था कुछ प्लेसेज जो BHU में ही मेरे सबसे फेवरेट प्लेसेज रहे हैं। लाइब्रेरी में अपना फेवरेट बना लिया था, और 2 से 3 घंटे मैं यूजी में, जब तक कोविड नहीं आया था तब तक तो मैं आराम से देता था। मेरी यहाँ तक कि मेरी फेवरेट चेयर्स भी वहाँ पे होती थी कि मुझे वहीं बैठना है, मैं उसी चेयर पे बैठूंगा। तो ये सब चीज़ें मैं पैशन के तौर पर बना लिया कि हाँ मुझे अपने एजुकेशन को अच्छे करने के लिए मैं लाइब्रेरी हो गया, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी हो गया, और बेसिकली कोई डिपार्टमेंट है तो वहाँ भी बैठ के पढ़ने की पूरी कोशिश करता मैं। हॉस्टल लाइफ में बिरला से जुड़ा हुआ बहुत सारा वाक्य है, बहुत की कौन कौन इसमें से हॉस्टल्स है, कौन कौन से हॉस्टल्स है? अच्छा LBS, हाँ LBS हॉस्टल से भी रहा है, आना जाना था, लेकिन बिरला से बहुत ज्यादा जुड़ा था क्योंकि वहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे। हॉस्टल्स लाइफ मैंने पहले भी एक्चुअली एंजॉय कर किया था, एंजॉय क्या किया था वो तो बोरिंग ही था मेरा बचपन वाला जो 7 साल का हॉस्टल लाइफ था। कॉलेज लाइफ को हॉस्टल लाइफ में बहुत डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे तो आपको पूरी फ्रीडम मिलती है। हॉस्टल लाइफ में पढ़ने का अपना एक जज्बा हो जाता है, माहौल बन जाता है, तो हॉस्टल लाइफ से भी मेरे कुछ अच्छे मेमोरीज रही हैं। ट्रोलिंग एंड होम सिकनेस, ट्रोलिंग तो छोड़ ही देते हैं, होम सिकनेस के बारे में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाते होंगे, घर की याद आना, दूर से आते हो, तो वो मेरे साथ भी रहा है कि कहीं ना कहीं घर की बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे परेशान करती थी, घर की भी याद आती थी, तो ये सब चीज़ें जो एक जनरल स्टूडेंट्स के बीच में हो रहती है वो मेरे साथ भी थी। देखो यहाँ पे ना मैं 2 स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, वो इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि ये स्टोरी आपके बीच की है, और मैं ये यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं बहुत खुश हूँ, जो नहीं सुन पा रहे मैं वीडियो के माध्यम से, मैं चाहूंगा ये स्टोरी जरूर जाना चाहिए सर। ये 2 स्टोरीज बेसिकली 2 लड़कियों के ऊपर है, आप बताओ इसमें से पहले कौन सुनना चाहोगे, द स्ट्रांग गर्ल या द AI गर्ल? ठीक है, स्ट्रांग गर्ल की स्टोरी सुनते हैं। लगभग मैं 3rd सेमेस्टर के एंडिंग टाइमिंग पे था, मुझे यहाँ के किसी प्रोफेसर का कॉल जाता है। बेसिकली उनका ये था कि एक स्टूडेंट है, इनसे मिलो, इनकी हेल्प करो, एजुकेशन लेवल पे जितना हेल्प हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन शायद तुम इनको इकोनॉमिकली कुछ हेल्प कर सको।
तो मैंने फाइनली मिला, आर्ट्स फैकल्टी में ही मिला, बुलाया, बातचीत होने लगा। अब जो कहानी है वो थोड़ा इंस्पायरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। वो लड़की जो है सबसे पहले तो होम ट्यूशन करती है, और होम ट्यूशन दो लोग का करके वो कमाती है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए में लगभग 500 रुपए में पूरे महीने का अपना जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त करती है, सब्जी मसाले ये सब, चावल दाल ये सब चीजें अपने घर से ले आती है। अब उन 3,000 में 500 रुपए उसने अपने पूरे खाने पीने मसाले पे दिया, उसमें से उसने लगभग 1,400 रुपए पार्टनरशिप में अपना रेंट भरा, बचे हुए लगभग वही 1,000 रुपए वो अपने घर भी भेजती है। और उसके बावजूद वो BHU में पढ़ रही थी, और उसके बावजूद वो बहुत कुछ करना चाहती थी, बेसिकली उस समय वो बीएड करने के लिए मेरे को बोल रही थी कि सर हम बीएड करना चाहते हैं। तो मैं ये स्टोरी इसलिए सुनाया कि ये छोटा सा स्टोरी, ये चीज आपको कहीं ना कहीं रियलाइज कराएगा कि वो इस कंडीशन में भी गोरखपुर से आके वो लड़की यहाँ पढ़ रही है, जब उसके घर से पैसे नहीं मिलते हैं और उल्टा यहाँ पे होम ट्यूशन करके वो 3,000 कमा के घर 1,000 रुपए भेज के अपना पूरा जो है वो खर्चा निकाल रही है। इस सिचुएशन में भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। जनरली हम लोग मिडिल लोअर क्लास, मिडिल अपर क्लास, मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग आते हैं, हम लोग अक्सर पैसे के लिए इस तरीके की चीजें जो है वो सफर करने लगते हैं और लगता है कि चीजें एडजस्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन जब मैंने वो स्टोरी सुनी, जब उसकी बातें सुनी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इतने इस स्थिति में भी देखो कि हाँ कि नहीं कुछ बनना है, सर आप थोड़ा कुछ बता दो जिससे थोड़ी इनकम बढ़ जाए, लेकिन ये है कि मैं जाऊं मैं नहीं BHU छोड़ के। तो ये चीजें थी। सेकंड जो स्टोरी है वो एक AI गर्ल की है। AI मैंने इसलिए नाम रखा क्योंकि बेसिकली AI मॉड्यूल पे काम करती है। ये मेरे उन दिनों मुझे मिली जब मैं लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन क्लास लिया करता। अब ये लड़की जो है बेसिकली इसलिए इंस्पायर करती है क्योंकि ये बहुत अच्छा अपना बिजनेस प्लान खड़ा किया। कैसे? इन्होंने उस समय मेरे यहाँ एक कोर्स ज्वाइन किया, उसमें मैं बहुत ही कम पैसे में कोर्स लाया था, 250 रुपए में मैक्सिमम कोर्स लाया था। तो अब वो लड़की जो है मेरे यहाँ कोर्स ज्वाइन की, पढ़ाई भी कर रही थी। कुछ दिनों बाद वो मुझे एक मैसेज करती है, एक इंस्टाग्राम का लिंक था, मैंने ओपन किया तो उस पे था कि आप मेरे यहाँ कस्टमाइज मास्क खरीद सकते हो। मतलब वो बेसिकली मार्केट से मास्क उठाती है और उस मास्क पे अपने से डिजाइन बनाती है या अपना नाम आप लिखवा सकते हो वो सुई धागे से, और वो उसको ऑनलाइन सेल करती है। मान लो 40 में उठाया, 50-60 में उसने बेच दिया। उतना ही नहीं, वो लड़कियों के कई सारे जो डेकोरेशन की चीजें होती हैं, बाल में लगाने वाले, हाथ में लगाने वाले, ये सब चीजें उसने कहीं ना कहीं अपने इंस्टाग्राम से सेल कर रही थी। ये उन दिनों जब कोविड के टाइम था, तो मैंने भी उसके यहाँ से बहुत सारा सामान खरीदा, लगभग 500 रुपए का सामान खरीदा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस चला रही थी। अभी इन दिनों जब मुझे दोबारा वो मिले, कॉन्टेक्ट हुआ किसी दिन, तो वो पंजाब से आती है। अब सोचो कि वो MBA कर चुकी है, अभी उसका MBA कंप्लीट हो चुका है। MBA के साथ साथ उसने कई सारे ChatGPT के, AI टूल्स के, ऐसे उन्होंने कोर्सेज किया। आज की डेट में वो लड़की कम से कम बस 24 घंटे में 90,000 रुपीज कमाती है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि सब लोग हम ही जैसे हैं, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सोचो कि वो कभी मास्क बेचती थी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ 250 रुपए का कोर्स मेरे यहां से लिया था, मुझे अच्छे से याद है। जब दोबारा कॉन्टेक्ट करती है तो सर अभी तो मैंने ये सब चीज बहुत कर लिया, मैंने ये कोर्स किया, मेरा MBA कंप्लीट हो गया, लेकिन अपना खुद का बिजनेस बेसिकली कर रही हूँ। लगभग मैं इस तरीके से अपना जो है बिजनेस सेटअप किया हुआ है, और वो प्रोग्रामिंग करती है, कोडर के यूज करके कोडिंग करती है, वेब पेज बनाती है, बहुत सारे लोगों के पोर्टल चलाती है, पोर्टल हैंडल करती है, टीम है लगभग 10-12 लोगों का। ये सब चीजें किसी को नहीं पता, वो अपने एक रूम में बैठ के करती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सभी के पास लगभग वही 12x12 का ही रूम होता है। हमें ये देखना है कि हमारे डेस्क पे बुक्स कितनी है, और ये देखनी है कि हाँ उस चीजों को हम समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो ये दो लड़कियां जो हैं वो बेसिकली मुझे बहुत इंस्पायर की, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अब इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ ये चीजें आप भी कर सकते हो। जिसके पास थोड़ा भी पैसा नहीं था वो भी यहाँ पे है, और जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो भी यहाँ पे है, लेकिन दोनों अगर ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी पढ़ाई करें, बेसिकली ये देखें कि हाँ ये चीजें करके, ऐसे करके इन लोगों ने किया तो हम करके कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हैं। जो मेरे रिकमेंडेड प्लान्स हैं कुछ बेसिकली, क्योंकि अब मेरे को सुने मेरे को जाने इससे तो बहुत ज्यादा फायदा साथ ना भी मिले, लेकिन मैं जो चीजें यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हूं वो चीजें मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आप लोग को। सबसे पहले तो देखो टेक्निकल स्किल के बारे में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। देखो मॉडर्न हो रहे हैं हम लोग, मतलब कि जमाना इतना बदल गया है कि सब कुछ एक सिस्टम जो है वो चीजों को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है।
लेकिन फिर भी हमारे पास अभी इंटेलिजेंस है, सिस्टम ऑटोमेटिकली काम नहीं कर सकता है, अगर हम चाहेंगे तभी वो काम करेगा। जो माइंड है वो हमारे पास है, इमोशंस, फीलिंग, प्लानिंग करना, ये सब कुछ हमारे पास है। सिस्टम का यूज करके, यानी मैकेनिज्म का यूज करके, हम बस उसको स्मूथ बना सकते हैं, उसके एक्यूरेसी को करेक्ट कर सकते हैं, उसमें तेजी ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी आपके पास स्किल है और जो नहीं है, उसके लिए आप उस गैप को पहचानो और उसके लिए काम करो। मैं चाहूंगा कि आप लोग एकदम छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू करो, एक्सेल शीट पे काम करो, पीपीटीज पे काम करो, एकदम छोटी छोटी, फिर उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाओ, एआई टूल्स पे काम करो। छोटे छोटे कोर्सेज आ रहे हैं, मात्र 500 रुपए 1000 रुपए तक में कोर्सेज आ रहे हैं। गूगल अपने कोर्स ऑफर कर रहा है, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, टेक चैनल्स हैं, वो अपने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के बेसिकली उसको जानो। ये इसलिए मैं जानो कि बस आपके फायदे का है, आने वाली जनरेशन में आपका जो बच्चा है ना, वो बहुत आगे रहेगा। आप उसको भी एग्जामिन करने के लिए, अगर आपके पास ये सब नॉलेज नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे। मैंने सर के पीपीटीज देखा, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मेरे तो कुछ नहीं है, सर ने अपने, सोचो कि क्या सर के जमाने में टेक्नोलॉजी रही होगी, मैं नहीं समझता कि उतनी रही होगी, लेकिन सर ने अपने आप को अपडेट किया बेसिकली। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बस मोबाइल लेके चलाने से अपडेट नहीं हो जाओगे। ये नहीं कि आपने अच्छी मोबाइलें खरीद ली, उसका डेटा बढ़ा दिया तो आप बहुत एडवांस कहला रहे हो। मोबाइल में जो स्मार्टनेस है, क्योंकि हम उसको बोलते हैं स्मार्टफोन, तो स्मार्टली यूज करने भी आना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग अपने जो भी टेक्निकल स्किल्स है ना, उसको आप बढ़ाओ, उस पर काम करो। वीक में टाइम को, खैर मैं इस पर आऊंगा कि पढ़ाई को बेसिकली कैसे डिवाइड करना है, टाइम मैनेजमेंट पे भी आएंगे जब हम कोर्सेज को डिफाइन कर लेंगे तब। जैसे कि यूपीएससी में इसमें कोई है क्या, कौन कौन से जॉब बेसिकली आप करना चाहते हो बताओ, कोई भी क्या करना चाहते हो आप, आगे बताओ कोई एम, बेसिकली क्या एम प्लान करके चल रहे हो? गवर्नमेंट जॉब्स। आप लोग स्टेट पीसीएस, अच्छा पीछे वाले रूम में थोड़ा लाउड बोलो भाई। अच्छा अभी भी अगर मेरे से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो मजा नहीं आएगा, लाउड बोलो ना आराम से। ठीक है यूपीएससी। आप और कोई पीछे? हाँ आप लोग, आप नहीं? हाँ आप ही, आप ही। हाँ टीचर्स, बेसिकली मतलब कौन है जो अपना खुद का बिजनेस प्लान कर रहा है? ठीक अंशुल, अच्छा प्रिंस, ओके। तो मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए देखो, यूपीएससी तो जो क्वालिफाइड होता है उसकी बातें सुनने में एक जज्बा आता है, लेकिन मैं इसलिए इस पे दो चार शब्द बोलना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं उस लय में हम लोगों ने भी तैयारी करी है, कर रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो कभी हो भी जाए, लेकिन मैं जो चीजें एक्सपीरियंस किया वो चीजें बताना चाहूंगा, इसीलिए इस पे कुछ बोलना चाह रहा हूँ। यूपीएससी के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ के तो स्ट्रीमलाइन होते हैं, यानी कि जो हमें बीए में मिला वो चीजें यूपीएससी में भी आती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स मिल गया, ज्योग्राफी मिल गया, पॉलिटिकल साइंस मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके सब्जेक्ट्स मैच नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोनों बच्चों को अपने जो टाइम मैनेजमेंट है वो बनाने पड़ेंगे। जिन बच्चों के भी सेमेस्टर्स एग्जाम्स में जो कोर्स आ रहे हैं, आप उसके एडवांस लेवल पे जाके पढ़ाई करते हो, उसी से रिलेटेड आजकल तो बहुत सस्ते कोर्स हो गए हैं। यूपीएससी की क्लासेज इसलिए करना चाहिए, मतलब बेसिकली प्रिपरेशन करना चाहिए कि आप अपने आप को बेहतरी बना सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करते करते गवर्नमेंट जब अपने आप इंक्लूड हो जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे बेसिकली टाइम मैनेजमेंट चाहिए बस। आप जितना ज्यादा हो सके यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का यूज करो, जितना ज्यादा हो सके जिस हॉस्टल में हो उस हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश करो। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लिए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो भी चीजें प्रिपरेशन कर रहे हो, बस यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस या आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, तो ये सब चीजें आपके पास ऑलरेडी 3 साल है उसमें हो जाएगा, 4 साल में आराम से हो जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या है कि सही मायने में अगर आप वो बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बोला फोन चलाना बेहद जरूरी है, सोशल मीडिया पे रहना बेहद जरूरी है। आप रील्स बनाओ, रील्स देखो, सब करो, एडिक्टेड मत हो, वो आपको ना चलाए, आप उसको चलाओ, ऐसा एक होना चाहिए लिमिटेशंस, ठीक है? ये सब बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा क्योंकि फोन एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे, फिर बाहर आते हो आप लोग। जैसा मैं 5 महीने के लिए हुआ एडिक्टेड, लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चल गया कि अब मुझे यूट्यूब पे आ जाना चाहिए। तो आप भी देख लो कि अगर बहुत ज्यादा फोन चलाने का, जैसे अब एक मेरा भाई है उसको शेयर मार्केट का बहुत बड़ा मतलब एक चस्का लगा हुआ है, अब वो पैसे बनाते हैं शेयर मार्केट में, लेकिन उसमें उसका एडिक्शन है, वो वहां पे गया। आपका नहीं है तो आप मत जाओ,
बेसिकली आप हमें अपने जो अपनी कमियां है ना, उस कमियों से भी आप कहीं ना कहीं अपनी अच्छाइयां निखार सकते हो। अपने जो चीजें, जैसे बेसिकली शेयर मार्केट में बहुत लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन अब वो अपने आप को इतना एडवांस कर चुका है, वो जानता है, उसके चीजों को जानता है, बेसिक चीजों को जानता है। जैसे अब बहुत लोग यूट्यूब पे तो बर्बाद भी हो रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब पे हर कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूट्यूब पे बस व्यूज के चक्कर में वो पूरा एक माइंड सेट टेंशन लेके चल रहा है, टाइम दे रहा है, पढ़ाई की जगह पे वो यूट्यूब पे लगा हुआ है। तो मैं कभी नहीं प्रमोट करूंगा कि हर कोई यूट्यूब ही चलाने लगे, क्योंकि यूट्यूब के बहुत बड़ा एक जो डीमेरिट है वो ये है कि टाइम बहुत लेता है। मैं बस ये चीजें बता के ये आपके बीच में रखना चाहता हूं ना कि आप अपने आप को पहचानो ना, बेसिकली कि आप उस चीज के लिए बने हो कि नहीं, फिर आप उस पर काम करो। हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो, लेकिन बस इस इतने दिन तक दौड़ना है ना उसके पीछे, जब तक लगे कि हाँ भाई मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन बहुत जल्द फिर रियलाइज भी कर लेना चाहिए कि नहीं चलो ठीक है, अब पार्ट टाइम जॉब भी अपना रख लेना चाहिए। तो सेकंड है एक यहाँ पे, जैसे कि हम लोग, मैंने 12वीं में एक्सपीरियंस किया था इसलिए बता देता हूँ। अब IIT में क्यों नहीं निकाल सका, क्योंकि मैं शायद निकाल सकता नहीं था, मेरे मैथ बहुत कमजोर थे, मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी। तो मतलब ये रेड रेस वाली कहानी नहीं कि पूरा मेरा बैच का 40 बच्चा IIT बनना चाहता है तो मैं भी IIT बनूंगा। अभी पूरे 8 फैकल्टी के बच्चे UPSC क्रैक करना चाहते हैं तो हम भी UPSC क्रैक करेंगे। मैं चाहूंगा कि अपनी पहचान खुद से बनाओ। मेरे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कि, पता है, जब मैं BHU में आया, जब फर्स्ट ईयर में, 1.5 महीने भी पढ़ाई नहीं किया था और मेरे बीच से कई लोगों ने उसी समय NDA क्रैक कर लिया, उसी समय उन्होंने अपना XY एयरफोर्स क्रैक कर लिया, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी थी, वो बहुत पढ़ने में अच्छे थे। अभी मेरे बीच में एक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, वहां पे शिवम, तो शिवम यहाँ पे है। शिवम को इसलिए बता रहा हूं, बेसिकली शिवम स्टूडेंट मेरा रहा है, मैं शिवम के पूरे रूटीन को लगभग ऑब्जर्व किया हूँ। आप लोग भी ऐसे रूटीन्स को फॉलो करिए, आपके बीच से भी ऐसे चीजें मैं जानूंगा तो मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए क्योंकि बहुत एडिक्टेड है किस चीज का, कि भाई हमें अभी भी SSB क्रैक करना है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। जब भी बातें होती हैं, सर भैया ये लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार तो क्रैक कर ही लेना है। कई बार इंटरव्यू तक पहुंचे, कई बार इन्होंने बहुत अच्छे रैंक लाए, किसी कारण से रह जाता है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज ये जो एडिक्शन है ना कि कुछ बनना है, ये एडिक्शन अपने अंदर लाओ। ये एडिक्शन मत लाओ कि हाँ फोन ही बस चलाना है बैठ के रूम में, ठीक है। तो प्लीज आप लोग रेड रेस मत करना, पीछे मत भागो कि हाँ यही बनना है, अपने जो पाथ है वो बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, इस पे इसलिए बात करना चाहूंगा इससे भी, क्योंकि ये हम उस एज में है जिस एज में इस पे बातें हो सकती हैं। ट्रामा जब कंडीशंस बन जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत सारे लोग अभी इस पे बेसिकली ओपन टॉक नहीं करोगे, बताना भी नहीं चाहोगे मुझे, लेकिन फिर भी मैं इस पे खुल के बातें करना चाहूंगा कि ट्रामा वाले कंडीशंस में मत जाना, ड्रामा वाले कंडीशन पे मत जाना। बेसिकली हम बस इतने लेवल तक चीजों को इन्वॉल्व, पहली बात तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, रह जाओ ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई करो। लेकिन अगर हाँ इन्वॉल्व हो रहे हो कि हाँ चलो दोस्ती यारी है, महिला मित्र भी है, पुरुष मित्र भी है, तो बेसिकली उसको अपने एजुकेशन में सपोर्ट तक ही रखना है, ना कि इस कंडीशन पे कि कोई एक किसी को चला रहा है। तो ये वाले कंडीशन से बेसिकली बचना, इशारा करते हैं कि देखो वो चलाता है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज हमेशा एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है इन बिटवीन रिलेशनशिप, ना कि उसको अनहेल्दी होने देना है। एक कंडीशन ऐसा भी आता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है और बेसिकली एक आर्गुमेंट की वजह से वो टूट जाता है, तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए भी आप वहां पे थोड़ा सा समय दे दो, वो चीजें सही हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ना बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज को ले गए हैं, एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत सारे हैं। तो बेसिकली ऐसे समय में यही है ना कि बहुत गंदा पानी है और उसे छोड़ दो तो धीरे धीरे वो साफ हो जाता है, वो धीरे धीरे वो जो उसके गंदे पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो समय दे देना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, वो अपने आप एक समय के बाद सही हो जाता है। बेसिकली एक हम लोग नए चीज से सफर कर रहे हैं, वो है शो ऑफ, शोइंग, जैसे कि किसी चीज को दिखाना बहुत ज्यादा कि ये हमारे पास है। हमें इस चीज से भी अवॉइड करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि, या जैसे कि क्या है ना, हमारे बीच में कोई एक बहुत अच्छा कोई चीज कैरी कर रहा है तो उसको देख के आप बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि ये चीजें हमारे पास भी होना चाहिए। ये सब चीजें मैंने बेसिकली सोशल मीडिया से ऑब्जर्व किया है कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज बहुत चीजें चल रही है, जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे रील्स बहुत बनाते हैं। कौन कौन अपने बीच में जो रील्स बना रहा है? कोई नहीं है। आर्ट्स फैकल्टीज भी बहुत पीछे लग रहा है लेकिन है, मतलब आप लोग ने देखा होगा कि इसमें तो बहुत सारे लोग अपने बीच से सोशल मीडिया पे हैं। कौन कौन रील्स देखता है बेसिकली? अब तो हैंड रेज करो क्योंकि अब मैं इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ। कौन कौन रील्स देखता है? कितने घंटे देखते हो? पूरे 24 घंटे? कितने घंटे देखते हो बेसिकली?
नहीं नहीं ये दो तीन घंटा, कौन दो तीन घंटा, हाफ एन आवर तो नहीं देखते होगे, सच सच बता लो मुझे कितना आप लोग कितना देखते हो, 4 से 5 घंटे आप लोग कितना देखते हो। देखो मीम और रील्स बेसिकली अभी क्या है ना, एक मतलब अनटॉकेबल टॉपिक रह गया है, इस पर बातें नहीं हो रही है, लेकिन ये हमारा समय बहुत खा रहा है, ये 10-10, 15-15 सेकंड का ये समय बहुत खा रहा है, और इससे जो एडिक्शन लग रहा है इसका हमें पता नहीं चल रहा है, अंदाजा नहीं लग रहा है। लास्ट टाइम भी मुझे एक बार यहाँ पे बोलने का मौका मिला, तो मैं रील्स पे ही पहले बोला था, क्योंकि रील्स बेसिकली क्या करता है ना, अगर साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो वो हमारे ना पूरे एक माइंडसेट को चेंज कर देता है। आपने बहुत हैप्पी रील्स देखा तो बड़े खुश हो गए, फिर अचानक से बहुत सैड रील देखा तो बहुत सैड हो गए, और रियल लाइफ में क्या होता है ना, आप फीलिंगलेस हो जाते हो, आपको लगता है कि अरे भाई वो चीजें देख देख के आप, क्योंकि आपने वो एक लॉन्ग एक्सपीरियंस फीलिंग्स को ना आपने उसको बहुत शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो प्लीज आप लोग रील्स बनाओ, रील्स देखो, लेकिन वही है ना कि सोशल मीडिया एडिक्टेड मत हो जाओ। तो बेसिकली ठीक है ना, ये इसमें अब आपके बीच से मैं क्वेश्चंस लेना चाहूंगा कि आप लोग के बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं, उस पे बातें करते हैं। बहुत ही एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो जो सही मायने में परेशान करती हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी साइड से आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का। बताइएगा, आप खड़े होकर पूछ लो ना, थोड़ा सा लाउड होकर पूछो, सब लोग सुनेगा। अच्छा ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, एसएससी वर्सेस यूपीएससी। आप एक बात बताओ, बेसिकली पहली बात तो दोनों के सिलेबस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अभी आप किस ईयर में हो, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो। फर्स्ट ईयर एक ऐसा स्टेज होता है जब हमारे पास सामने पूरा समय बचा हुआ होता है, यहां से डिसीजन हम दोनों के लिए बहुत अच्छे से स्ट्रांगली ले सकते हैं कि यूपीएससी करना है कि एसएससी करना है। लेकिन इससे पहले ना अपना एक एनवायरमेंट, अपना बैकग्राउंड चेक करो, खुद के प्रेजेंट स्टेटस को देखो कि क्या आपका पर्टिकुलर जो जीएस पेपर है, जो ऑप्शनल पेपर है, पर्टिकुलर जो आप ऑप्ट करना चाह रहे हो उसमें कितनी मजबूती है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा बहुत मजबूत है, अगर आपका 3 या 4 सब्जेक्ट भी बहुत मजबूत है, बेसिकली थोड़ा मजबूती मतलब तुरंत पता चल नहीं जाएगा, लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि हाँ इसमें मेरा मन लगता है, इसको पढ़ के मैं अच्छा बना सकता हूँ। अगर इस स्टेज में आप हो कि हाँ ये चीजें अभी से मुझे पता चल जा रही हैं कि मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, मैं इसको ऑप्शनल भी ले सकता हूँ और मैं इसको ऑप्शनल भी बना सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि फिलोसफी मेरी बहुत अच्छी है, मैं इथिक्स को ऑप्शनल बना सकता हूँ और मैं इसको अपना जीएस पेपर में, अगर आपके साथ उसी कोर सब्जेक्ट्स में मान लो कि एक पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सब सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है, आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करके आप डिसीजन ले सकते हो। बेसिकली एसएससी की तरफ डायरेक्टली मत जाओ अगर पहले से देखो यूपीएससी का एक थॉट माइंड में आ गया है, क्योंकि एक जमाना था कि यूपीएससी की क्लासेज बहुत महंगी थी, अभी तो बहुत सस्ती हो गई है। तो मैं चाहूंगा कि यूपीएससी की क्लासेज तो सबको लेके एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो आप देखोगे कि एसएससी तो फिर अपने आप ही निकल जाएगा। तो यूपीएससी को अभी एक एम मान लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो तो मान लो, मैं तो कहूंगा ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताइए। समझ गया, ओके। एक्चुअली होता क्या है ना कि आप, इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि हम किसी को जब देखते हैं तो वो करने का मन करता है और फिर बहुत जल्द बोर हो जाते हैं या उससे नहीं हो पाता है। बेसिकली इसमें आप कर क्या रहे हो ना, सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने में कोशिश कर रहे हो, खुद के अंदर देखने की कोशिश किए नहीं हो। मैं यही कहना चाहूंगा ना कि अपनी एरिया सेक्शन को, बेसिकली आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जो आप नहीं देख पा रहे हो खुद के अंदर, वो बांसुरी बजा सकता है क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट था। आप भी शायद कुछ बजा सकते हो, उस टैलेंट को आपने कभी देखा नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने बोला कि बहुत जल्द बोर हो जाते हो उससे, हो सकता है कि आपको बहुत बेहतर आ गया था। मैं भी यूट्यूब पे जब आया तो मैं बहुत बोर हो गया यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि कोई, भाई हम इंसान है, हमारी च्वाइसेस बदलनी ही है वो। लेकिन आप बेसिकली बोर तब हो जब वो स्टेबल हो जाए। बीच में छोड़ के जाने का मतलब यही होता है कि आप एक बैड इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो गए थे और उसमें लग गए और बहुत जल्द फिर बोर हो गया। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये चीजें बार बार हो रही है, एक बार हुई, दो बार, तीन बार, चार बार, और बार बार आप इस चीज को
क्लियर कर ही नहीं पाए कि हाँ यही मुझे करना था, तो फिर ऐसे में एक बार बैठो और कहीं पे खुद को पहले बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो कि हाँ भाई मैं इसी के लिए बनाऊं, फिर उसमें आप जाओ। जिस दिन आपको आपके चॉइस की चीज मिल गई ना, आप समझ लो कि भाई उस दिन आप ना बोर होने वाले हो ना ही उसको आप स्किप करने वाले हो। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ओके। इनका क्वेश्चन है कि बेसिकली यूट्यूब चैनल्स पे ट्रोलिंग हम लोग को फेस करने को मिल जाता है। ट्रोलिंग मतलब समझते हो, सोशल मीडिया पे जो आपका कोई पैर खींचने की कोशिश करे। तो देखो मैं इसको बेसिकली पर्सनल लेवल बताता हूँ कि मैं कैसे इसको टैकल करता हूँ। मैं पहले ये देखता हूँ कि सामने जो ट्रोल करने वाला है वो किस लेवल का है, ठीक है। मतलब जो मेरा पैर खींचना चाहता है वो मेरे लेवल का है भी कि नहीं है, समझ में आ गया। तो मैक्सिमम जो ट्रोल्स मुझे देखने को मिले वो मुझे लगे कि इन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। कुछ ट्रोल्स जो मुझे लगे कि नहीं मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो उसमें मैंने ये देखने की कोशिश की कि भाई अगर ये ट्रोल कर रहा है तो शायद मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, तो मैंने खुद को बनाने की कोशिश की बेसिकली। मैं ऐसा नहीं कुछ ट्रोल के पछड़े में पड़ा और अपना बहुत लॉस करने लगा, नहीं। मैं बहुत ही मेंटली प्रिपेयर हूँ इस चीज को लेके कि अगर आप मुझे ट्रोल करोगे, आप लेबल के हो तो इग्नोर करूंगा, अगर आप लेबल के नहीं हो तो इग्नोर मार दूंगा, अगर आप लेबल के हो तो मैं अपने ऊपर काम करूंगा कि नहीं मुझे इस चीज को सही करना है कि आप नेक्स्ट मुझे फर्दर ट्रोल ना कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं अपना कोर्स ऐसा बनाना चाहूंगा कि मेरा जो कोर्स है वो हर कोई ले सके। और कंपटीशन की जहां तक बात है, मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि कंपटीशन के तौर पे देखो हर किसी अपना एक यूट्यूब चैनल का अपना एक माइंडसेट है। जैसे अब मैं अपने चैनल को चला रहा हूँ तो मैं अपने आप को कभी उन लोगों के कंपटीशन में नहीं लेके चल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जिस कोर्स पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैं पीजी के कोर्सेज चला रहा हूँ या यूजी के कोर्सेज चला रहा हूँ, तो मेरा मानना है ना कि मेरे जो टीचर्स हैं बेसिकली वो जिस कोर्स को चला रहे हैं वो बहुत ऑनेस्टली से चलाएं, और जो इसकी प्राइजिंग हो वो ऐसी सेट हो कि वो मैक्सिमम लोगों तक जा सके, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो सके। जैसे कि अब मेरे यहाँ जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं पूरे बीएचयू के लोग हैं, तो कभी भी जैसे अब अर्निंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए, बेसिकली कोई बताएगा नहीं अपना यूट्यूब का अर्निंग, कोई नहीं बताते, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल सेट कर देता हूँ। जो भी आपकी अर्निंग आती है, जैसे मेरे यहाँ जो अर्निंग आती है, बाकी लोग का मुझे नहीं पता कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप यूं समझ लो ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पैरेलल मेरा टीचर भी कमाए, मेरा टीचर भी जो है बेसिकली वो उतना ही अर्निंग ले जाए, तो यहाँ पे 50% का डिवाइडेशन हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए कि वो कभी बस ये ना सोचे कि वो काम करने आए थे, उन्हें ये ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई हम भी यहाँ मेहनत करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, और उनके अंदर भी एक जोश रहता है कि हम जितना अच्छा पढ़ाएंगे उतने अच्छे बच्चे ज्यादा कोर्स लेंगे और उतनी अच्छी सेलिंग आएंगी, उतना अच्छा उनको पैसा मिलेगा। तो बेसिकली मेरा यही रहता है कि कंपटीशन से ज्यादा मैं अपने कोर्स पे ध्यान देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा अपना कोर्स इतना अच्छा इंप्रूव कर दूं, क्वालिटी इतनी अच्छी कर दूं और इतनी अच्छी प्राइजिंग करूं बेसिकली कि वो प्राइज लोगों के बीच में जा सके। तो ऐसा रहेगा। थैंक यू सो मच सर। जो को बताया है बाकी बहुत ही मोटिवेटिंग था, और मैं कुछ पॉइंट्स तो मैं खुद भी नोट कर रहा था। मैं देख रहा था कि द वे ही वाज इन्फॉर्मिंग ऑफ द बुक्स के बारे में आपने सलाह दी, और सबसे अच्छा इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी से दोस्ती कर लो, तो ये इतना खूबसूरत टर्म इन्होंने यूज किया। लाइब्रेरी से जो लोग दोस्ती कर लेंगे तो फिर उनको किसी दोस्त की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो काफी अच्छी तरह से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो चूंकि ये फॉर द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट, तो ये धन्यवाद ज्ञापन मैं चाहूंगा कि बीए फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट आए यहाँ पर आके किसे बात करते हैं। यस एनीवन फ्रॉम योर साइड? यस, गिव अ बिग क्लैप। आई एम सो हैप्पी। बताइए भैया, मैं क्या बताऊं, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं आपसे मिलूं और आपको सुनूं, क्योंकि जब मैं आपको सुनती हूँ ना तो लगता है कि हाँ मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ, आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जब भी मैं आपका यूट्यूब चैनल खोलती थी सबसे पहले आपको चैनल आता था। ओके, सब्सक्राइब किया होगा। आपका चैनल आता था और आपकी ये बेटी जब देखती थी बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि जब मैं बीएचयू जाऊंगी तो सबसे पहले भैया से मिलूंगी, और मैंने आपको मैसेज भी किया था तो आपने बोला तो मीटर कर देंगे, तो क्या वो चांस नहीं मिला मुझे पता नहीं था।
और अभी मैं इधर से निकल गई थी तो पता चला यहाँ पे आप आ रहे हो, तो मैं वहीं पर रुक गई। तो बहुत अच्छा लगा कि किस्मत भी मिला देती है जब आप किसी चीज को याद करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ओके ओके ओके, क्या नाम है आपका? नैना। नैना, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट थैंक यू टू यू पीपल, क्योंकि आप अगर नहीं आते शायद प्रोग्राम नहीं होता। मुझे पूर्ण विश्वास था जब मैं कोई मैसेज करता हूँ मेरे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो जरूर मुझे सुनेंगे और वो यहाँ पे आए। और मैं जानता हूँ जब आपने बहुत सारे आइडियाज आपको बता दूँ कि कहीं भी मौका में सुनिए किसी को। डीप लिसनिंग जो है, लिसनिंग इज एन आर्ट। जब आप अच्छी तरह से सुनते हैं बहुत सारे आइडियाज आपको मिलता है। जरा कल्पना करें एक वकील, ये जब कोर्ट में जब बहस होता है उसे तो वकील इसी एक बारीक पॉइंट को देखता है, सुनता है। डीप लिसनिंग, एक अच्छा व्यक्ति सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब उसके अंदर लिसनिंग पावर। अगर डीप लिसनिंग की हैबिट नहीं है तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें आपको स्किप कर देंगे। तो जब भी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जरूर आके यहाँ पे सुनिए, आपको चीजें आपको सीखने को मिलेगा। एक चीज और मैं लास्ट फिनिश करूँगा यहाँ पे, अभी बहुत मूवी भी है और हकीकत भी है। बहुत लोगों ने अपना दशरथ मांझी को सुना होगा, राइट, गेलोर गांव के जो है। मैं अभी लास्ट ईयर वहाँ पे गया तो गांव देखने के लिए गया था, पहाड़ी को भी देखा। तो उस मूवी में वो डायलॉग है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी हो एसएससी हो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस मन में रहा है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, राइट। ये अगर जज्बा आपके अंदर है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुझे तो लगता है कि कोई चीज मैंने सोचा ना होगा ऐसा नहीं हो सकता, राइट। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई से सोच रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से सोच रहे। जब ऐसे सोचते तो आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। तो विद दिस वर्ड थैंक यू सो मच। और एक फ्यूचर अनाउंसमेंट में कह दूँ कि हम नीट को एक विषय को और सुनना चाहेंगे, वो है 11 तारीख 11 नवंबर को है और इनका स्पेशल एक्सपर्टाइज है, दैट इज ऑन सोशल मीडिया, राइट। कौन कौन से सोशल मीडिया का आप उपयोग करके आप देखते हैं, और एक एस्टिमेट छोटा सा आपको बताए यूट्यूब के बारे में, ऐसे बहुत सारे आपके जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी आपसे हम सुनना चाहेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि अगली बार आप अगर आपके पास लैपटॉप हो मोबाइल ले जाइए, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या था, स्किल हो रही है। अगर आपके पास स्किल है तो आपकी जेब में पैसा है, आपका स्किल नहीं तो आपके पास पैसा नहीं। चाहे आप कंटेंट लिख के करिए, चाहे आप ट्रांसलेशन के साथ करिए, चाहे कविता लिखिए, इसका मतलब स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही स्किल जो है हम लोग exactly, से भी सीखेंगे और आप लोग भी सीखने का कोशिश करेंगे, राइट। सो विद दिस वर्ड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव गिवन एंड अलोंग विद द एसोसिएट्स जो नीयर के सहयोग में जो लोग थे, कैमरा मैन नरेंद्र पाटिल, आप सबका विशेष तौर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फोटो ले लो, ग्रुप फोटो, सब लोग यहाँ पे आ जाइए, सामने से ग्रुप फोटो हो जाएगा।